नमस्कार फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके हम ब्लाउज का बहुत ही प्यारा पैटर्न है जो हम लोग सिंगल कलर में बनाने वाले हैं। इसमें हम कोई ना लेस यूज करने वाले हैं ना कोई पाइपिंग नहीं है और बहुत सुंदर डिजाइन बनाने वाले। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। स्टार्ट करते हैं, ब्लाउज का बैकनेक बना रहे हैं जिसमें हमारे पास बॉर्डर भी है। सेम कलर से हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें ऊपर हम लोग बॉटनेक देंगे तो 3.5 इंच हम लोग इसकी ले रहे हैं चौड़ाई, और लंबाई हमें सिर्फ इसमें 3 इंच ही लेनी है। 3 इंच तक लेके इसको इस तरीके से हम लोग बॉट शेप में कटिंग करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच हम लोग इसको यहाँ से छोड़ देंगे। 1/2 इंच छोड़ने के बाद पूरा हमने बॉर्डर तक नेक लेना है। ये हमारे पास टोटल 8 इंच आ रहा है। 8 इंच पर 3 इंच बाद एक और निशान लगा देंगे हम लोग इसको बाहर की ओर 3.5 इंच जो हमने ऊपर चौड़ाई ली है सेम चौड़ाई लेके इस तरीके से जैसे एक पानी की बूंद होती है इस शेप में हम लोग इसको लेके कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई। अब इस पे हम लोग अलग से पट्टी लगाएंगे फ्यूज पेपर और अस्तर के कपड़े की, और इस पे अलग से पट्टी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो हमने बॉट शेप में काटा था उस पे हमने फ्यूज पेपर और कपड़े की पट्टी लगा के इस तरीके से हमने इस पे पूरी अंदर की ओर मोड़ दी। इसको अंदर मोड़ के तुरपाई कर देंगे। अब ये जो हमने शेप बनाई है इस पे भी हमने सेम फ्यूज पेपर और कपड़े की पट्टी लगा दी। अब कॉर्नर पे हमें इसमें यहाँ कट लगाना है, और जो राउंड शेप है यहाँ पे हम लोग बारीक बारीक की कट लगा दी। कट लगाने के बाद इसको यूँ सीधा करके फिनिशिंग की सिलाई लगा के इसको भी अंदर की ओर पूरा इस तरीके से मोड़ के तुरपाई कर दी। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज का नेक हमारे पास रेडी है। ये हमारे पास बॉर्डर था इसीलिए हम लोगों ने इसको 8 इंच तक ही लिया है, और अगर हम लोग चाहें तो इसको पूरा नीचे तक भी ले सकते हैं। की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।